तो ब्लॉग को यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं, और मुझे आपके साथ शेयर करनी है बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मैं करने जा रही हूँ आरवी के बर्थडे पे एक बहुत बड़ा काम जो मैंने कभी नहीं किया, मतलब किया बट इस लेवल पे नहीं किया कभी भी। छोटा मोटा करती रही जितना खुद से था करती रही, लेकिन इस लेवल पे मैंने कभी नहीं किया। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ शाम की कंघी करने के लिए। मैं दिन में 2 बार ही कंघी कर पाती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा कंघी नहीं हो पाती, बाल बहुत उलझ जाते हैं आप देख सकते हो। तो मेरे सेमी करली बाल यानी कि मेरी वेवी बाल हैं, और करली में ही आते हैं वैसे बाल मेरे, प्रॉपर करली भी नहीं है, मैगी जैसे बाल नहीं है लेकिन जी हाँ, और मेरे टूटते भी इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन दिक्कत ये कि करली होने के चक्कर में कॉम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करली बालों के लिए शायद ना मोटे मोटे दांतों वाली कंघी लगती है, तो वो मुझे लेनी है। पर अभी इसी से काम चलाते हैं और करते हैं फटाफट से अपने बालों वाला काम, ये भी एक तरह का काम ही है। तो बस कॉम करके मैं करती हूँ शाम के दिन की शुरुआत, और बहुत थोड़े से बाल मेरे टूटते हैं। बाहर बारिश का मौसम हो रखा था तो मैं, चलो दिखा देती हूँ आपको। गाइज यहाँ बारिश हो रही है, आई विल शो यू, बारिश हो रही है। ओ हो, ये क्या है अरु? अम्ब्रेला अम्ब्रेला, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अम्ब्रेला छाता। हाँ अपन ओपन इट, कहाँ? यहाँ से ओपन करना था। 1 2 3 गो रेन रेन गो अवे, कभी छाता। बाहर बारिश आई है ना इसलिए आरबी अपना छाता लेके जा रही है। हाँ जाओ। लुक आर सो मेनी बर्ड्स जस्ट देयर, सो मेनी बर्ड्स। ये सो मेनी बर्ड्स दिख भी रही हैं कि नहीं? ये देखो कितनी हरी बर्ड्स। रेन रेन गो अवे। क्या तो बारिश अंदर थोड़ी ना आएगी यारू, इसको लग रहा है बारिश अंदर आने वाली है। लुक गाइस कितना ज्यादा, ये देखो। ओ हो, बारिश। बारिश 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 डग 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 बारिश आ गई। बहुत खतरनाक वाली बारिश है, बहुत खतरनाक वाली बारिश है। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो मेरे पास दिन में जो है कढ़ाई में भिंडी की सब्जी रखी हुई थी, मैं बनाने जा रही हूँ दाल, और आरवी को अपने पास ही रखा हुआ है, अपने पास ही बैठा के रखा हुआ है क्योंकि आरवी को मैं पीछे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अजय की चल रही है मीटिंग तो इसलिए मैं उसको अपने साथ लेकर आई हूँ। और अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ या घर का कोई भी काम करती हूँ, आरवी को वहाँ बैठा देती हूँ और आरवी कुछ ना कुछ करती रहती है वहाँ पर, मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। शायद आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। तो ये कुछ बर्तन हैं जिसमें से मुझे कुछ धोने हैं और कुछ सुबह आंटी आके धो लेंगी। तो इस वक्त मैं यहाँ पे दाल वगैरह धो रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ नवरत्न दाल। तो यहाँ पर आरवी को भी बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो कैसे ओपन करना है, अब क्या डालना है क्या नहीं डालना है, दाल डालेंगे पानी डालेंगे, तो आरवी को ये सारी नॉलेज है। तो बस वो मेरे पूरे स्टेप को जो है अपने दोहराती रहती है, बोलती रहती है कि अभी मम्मी पानी डालेगी, अभी मम्मा दाल डालेगी, फिर हल्दी डालेगी, नमक डालेगी, तो वो इस तरह की बातें करती रहती है।
और उसमें तो ए बी सी डी। हल्दी के बाद क्या डालेंगे हम? नमक। नमक और बहुत मिर्च। नमक अदरक डालेंगे। अदरक डालेंगे नमक। हाँ अदरक डालेंगे। चल उठ। मैं मुझे कोई काम देती हूँ वही खराब हो जाता है। हाँ बस ठीक है, अभी कुछ नहीं डालना। ओके ओके तो चलो फिर इसको चम्मच करेंगे। चम्मच चम्मच करेंगे मम्मा। चम्मच करेंगे। चम्मच चम्मच करें। चम्मच क्या आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल। तेल इसलिए डालते हैं ताकि आपकी दाल की छींटे जो हैं कुकर से बाहर ना निकलें। तो ये ट्रिक आप घर पे आजमाना ज़रूर, और आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने यहाँ पे कुकर बंद कर दिया है और अब मैं करूँगी दिया बत्ती हाथ धोकर। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ मंदिर में। जब तक दाल को, वैसे ही मुझे 3 से 4 सीटी लगानी है क्योंकि वो नवरत्न दाल है, तो इतनी देर में मैं अपना पूजा पाठ वगैरह कर लूँगी और उसके बाद हम लोग करेंगे आटा गूंदने वाला काम। तो दाल अभी भी सीटी उसकी लग रही है, तो मैं यहाँ पे जो है एक टाइम के हिसाब से आटा गूंद लूँगी। तो मैं वैसे कोशिश यही करती हूँ कि मैं 2 टाइम का आटा हाथों हाथ गूंद लूँ, पर कई बार जब मुझे आलस आता है, मुझे मन नहीं करता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको आटा गूंदने का मन नहीं करता, तो ऐसे टाइम पर मैं फिर जो है पूरा दिन का एक साथ ही गूंद लेती हूँ। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब हम पूरा दिन का गूंदते हैं तो आटा जो है बच जाता है। अगर मैं लगातार गूंदती हूँ आटे को तो उससे जो है कि आटा बचता नहीं है। तो मुझे आइडिया रहता है कि कितने आटे से जो है हमारी कितनी रोटियां बन जाएगी। तो वैसे मुझे और अजय को तो सिर्फ 5 फुलके लगेंगे और एक फुलका आरवी का, 1 से 1.5, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं खाते। तो बस मैंने फटाफट आपके सामने ही मैंने आटा गूंद लिया है। आप लोग चाहो तो गुनगुने पानी से भी आटा गूंद सकते हो, और हाथ के हाथ ही मैं जो है किचन को क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ जो है अगर किचन ख़राब रहता है तो खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो है दाल को सीटी लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक साइड में तैयार कर रही हूँ तड़का। तड़के में वही है, देसी घी है, अजवाइन है, थोड़ा सा प्याज है, टमाटर है, और जो है देगी लाल मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये मेरी जो दाल मेरी उबल गई थी 4 सीटी के बाद में, वो मैंने इसे मिक्स कर दिया है। तो देसी घी का तड़का जब दाल में पड़ता है ना तो बहुत टेस्टी बनती है। उसके साथ तो फिर आपको कोई और सब्ज़ी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो पंजाब में कुछ इस तरीके से तड़का लगाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से चपाती। इसको थोड़ा सा और मैं जो है उबलने के लिए छोड़ दूंगी, और कटा हुआ धनिया मेरे पास रखा हुआ था, बस कुछ 2 मिनट के लिए रखूंगी ताकि जो है सारा मसाला या सारा जो घी है वो एक हो जाए। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से फुलके और करते हैं अपने डिनर का दी एंड, क्योंकि डिनर बनाने के बाद हमें करनी है थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग। तो मैं यहाँ पे जो है फटाफट फटाफट जो है रोटियाँ सेक लूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये चकला बेलन भी मैंने धो दिया था, तो मैं दिन में 2 बार चकला बेलन धोती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को, अदरवाइज़ जो है आटा चिपका रह जाता है क्योंकि ये मार्बल का चकला है तो उसमें आटा चिपक जाता है। तो आप इसको हाथों हाथ भी धो सकते हो। तो बस मैं यहाँ पर जो है अपने 5 फुलके बनाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ।
तो मेरा जो है रात का डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, दूध उबलने का रखा हुआ है। जब तक दूध उबलेगा तब तक मैं कर लेती हूँ नाइट रूटीन। नाइट रूटीन तो कुछ खास नहीं था, फेस वॉश वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट टाइम जब मैंने अभी दो दिन पहले जब मैंने ब्यूटिशियन बुक की थी तो उसने मुझे ना टैनिंग की बोला था कि आपको टैनिंग हो रखी है, तो मुझे लगा कि चलो अभी टाइम है तो मैं ना टैनिंग के लिए D10 फेस पैक लगा लेती हूँ। तो मेरे पास है यहाँ पे मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क, ये मुझे बहुत 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 पसंद है और ये मेरी तीसरी पैकिंग है। इसका रिजल्ट आपको जो है इंस्टेंट आपको दिखाई देगा। अभी आप जो मेरा चेहरा देख रहे हो ये टैनिंग वाला है और मैं यहाँ पर जो है इसका बेसिक जो है मैं इसमें कुछ मिलाने वाली नहीं हूँ, इसमें ऑलरेडी सब चीज़ें मिली हुई होती हैं और मुझे बहुत पसंद है ये इंस्टेंट है, कभी भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो मैं बस फटाफट इसका जो है ये फेस पैक लगा लूँगी और 15 मिनट के लिए इस फेस पैक को अपने चेहरे पे छोड़ दूँगी, उसके बाद आप खुद इसका जो है रिज़ल्ट लाइव देखोगे। तो यही देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे हल्का हल्का लगा लिया, ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल लगाया है, ठीक है। तो चलो फिर, तो ये आप देख सकते हैं गाइज, ये है मेरा फेस पैक लगाने के बाद का रिव्यू। तो अब आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितना ज़्यादा जो है रिफ्रेशमेंट लग रही है और टैनिंग सारी जा चुकी है। गुड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी, उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे। और आज है, आज क्या है, आज 18 तारीख है और 20 तारीख को आरवी का बर्थडे है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोगों को 20 तारीख को पता चलेगा कि मैं आरवी के बर्थडे पे क्या करने वाली हूँ। मैंने कुछ बड़ा सोचा है, कुछ आरवी के बर्थडे वाले दिन जो अच्छी चीज़ होने वाली है मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी मेरे घर वाले मुझसे इन दिनों बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे बिल्कुल बात नहीं, मैं जहाँ जाती हूँ आरवी वहीं आ जाती है। और आरवी प्लीज़ यार इसको स्लो कर दो, मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि 7-8 दिनों से मेरे जो चैनल पे है इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, रोने धोने जैसी इमोशनल, मेरा जो चेहरा है, मेरी जो टेंशन है, वो लोग उस तरह के का वीडियो नहीं चाहते हैं कि मेरे चैनल पे रहे। वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं जहां पे मैं इमोशनली टूटी हुई दिखाई दूं या टेंशन वाले कुछ हों या कंट्रोवर्सी जैसी कोई वीडियोज़ वगैरह हों, वो लोग नहीं चाहते, वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए 2-3 दिन हो गए हैं बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो इनडायरेक्टली यही पता चला है कि मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा है मेरी उन वीडियोस की वजह से। तो समझ नहीं आता कि क्या दिखाएं, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता। तो नाराज़गी वाली बात है, या आप सबको पता है कि मैंने अपने चैनल पे कितनी मेहनत करी है। अगर मैं 2.5 साल से अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो जो सिचुएशन मेरे साथ यूट्यूब की तरफ से हुई वो चीज़ भी मुझे शेयर करनी बनती है। तो मैं इस चैनल के थ्रू मैं मम्मी को ये बोलूँगी कि मम्मी जी वो वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, अगर मैं नहीं बनाती तो लोगों तक वो बात नहीं पहुँचती। ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने फैमिली, जो भी आपकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो आपकी एक फैमिली है, और अपनी फैमिली को आपको अपने साथ हुई हर एक चीज़ जब आप दिखा रहे हो तो ये भी चीज़ उन चीज़ों में काउंट होती है कि आपको बताना होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यूट्यूब ने मेरी 2.5 साल की मेहनत में से छीनी है, तो ये चीज़ मेरे सब्सक्राइबर को पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई। और जब मेहनत हम जी जान से मेहनत करते हैं और वो चीज़ एक झटके में कोई आपसे ले ले तो उसका दुख जाहिर सी बात है चेहरे से बातों से आता ही है। तो आपको इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, वैसे ही मेरे सब्सक्राइबर, मेरा चैनल भी मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसको लेकर मैं अपने चैनल को लेकर बहुत इमोशनल हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। तो बस मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है, तो ये वीडियो अगर मेरी मम्मी तक पहुंच जाएगी तो और क्या चाहिए, है ना। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और मैं एक इंसान हूँ और इंसान इमोशनली बना हुआ होता है ना। तो बस यही है आज का। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। मेरी मम्मी के लिए नीचे कमेंट पर प्लीज़ उनको समझाइएगा ताकि जब वो वीडियो देखें
तो वो मेरे कमेंट भी पढ़ती हैं, वो मेरे कमेंट्स पढ़ती हैं, तो आप उनको कमेंट्स में समझा सकते हो क्योंकि मैंने इस तरह की वीडियो डाली है रोने धोने जैसी, जो कि मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने चैनल पे किसी भी तरीके का रोना धोना दिखाऊं। बट मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी रोना आता है, मुझे भी बुरा लगता है, ये चीज़ कौन समझाएगा उनको। तो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो इसी चीज़ पे थी, तो चलिए गाइस मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ में। मैं रखती हूँ, बाय गाइस।